गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम के बच्चों हम बात कर रहे थे मूल मात्रकों और पूरक मात्रकों की परिभाषाओं की, ठीक है। हमने मात्रक और विमाएं चैप्टर हमारा चल रहा था, मात्रक और विमाओं वाला चैप्टर जब हमारा चल रहा है तो उसमें हमने मात्रक क्या होता है, मात्रकों का चयन करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, उसके बाद हमने मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, मात्रक पद्धतियाँ, मूल मात्रक के बाद पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं, मूल मात्रकों की परिभाषाएं और पूरक मात्रकों की परिभाषाएं, ये हमने देख ली थी। आज हम बच्चों बात करेंगे दूरी का मापन, द्रव्यमान का मापन और समय के मापन की छोटी बड़ी इकाइयों की। तो मापन इकाइयों की बात करेंगे और इसकी PDF आपको नहीं मिलेगी, ये ब्लैक बोर्ड पर मैं लिख दूंगा, यहीं से आपको उतारना है। मापन इकाइयां, तो ये मापन इकाइयां, ये आपको डालना है मापन इकाइयां। मापन इकाइयां अपन बात कर रहे हैं बच्चों, मापन इकाइयों की। सबसे पहले दूरियों के मापन की इकाई, दूरियां तो सभी जानते हैं कि मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, तो और भी दूरी के मापन के मात्रक होते हैं, वो मात्रक हमको देखने हैं कि कौन कौन से मात्रक हो रहे हैं दूरियों का मापन। सबसे पहला है दूरियों के लिए दूरियों के लिए बात करें बच्चों, तो सबसे पहला इसमें मात्रक जो आता है वो आता है खगोलीय मात्रक। क्या आता है? खगोलीय मात्रक। पहली बार आप सुन रहे होंगे खगोलीय मात्रक, तो आप देखिए बच्चों इसमें पहला खगोलीय मात्रक, और खगोलीय मात्रक क्या होता है, दूरी का खगोलीय मात्रक क्या होता है, दूरी का जो खगोलीय मात्रक होता है, इधर सुनना, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की जो औसत दूरी होती है वो क्या कहलाती है, एक खगोलीय मात्रक कहलाती है। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की जो औसत दूरी है वो एक खगोलीय मात्रक कहलाती है। क्या कहलाती है? एक खगोलीय मात्रक। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की औसत दूरी एक खगोलीय मात्रक कहलाती है, और वो एक खगोलीय मात्रक कितना होता है वो मैं यहां लिखूंगा। तो मैं लिख रहा हूं सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की औसत दूरी को एक खगोलीय मात्रक कहा जाता है, और इसको प्रदर्शित करते हैं AU से, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक। एक खगोलीय मात्रक कहा जाता है। और बच्चों एक AU बराबर होता है 1.496 × 10^11 मीटर, इतना होता है एक खगोलीय मात्रक। एक खगोलीय मात्रक कितना होता है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है कि एक खगोलीय मात्रक कितना होता है, इतना होता है। दूरियों के मापन की बात चल रही है और दूरियों के मापन में जो बात हो रही है वो सबसे पहले खगोलीय मात्रक की हो रही है, और खगोलीय मात्रक मैंने बता दिया सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की जो औसत दूरी होती है उसको एक खगोलीय मात्रक बोलते हैं, और एक खगोलीय मात्रक इतना होता है। दूसरा है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। इधर सुनना, सूर्य का प्रकाश निर्वात में, निर्वात मतलब जहां वायु नहीं है, सूर्य का प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। सूर्य का प्रकाश निर्वात में, कहां पर, निर्वात में
सूर्य का प्रकाश निर्वात में एक प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। मैं लिख रहा हूं परिभाषा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश निर्वात में, सूर्य का प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है बच्चों 9.46 गुणा 10^15 मीटर, यानी कि सूर्य का प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है। सूर्य का प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। इतनी दूरी तय करता है। इधर सुनना तीसरी बात है, पारसेक, पारसेक और पारसेक बच्चों ध्यान रखना है आपको, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक है। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है बच्चों, सबसे बड़ा मात्रक है और ये होता है एक पारसेक बराबर 3.1 × 10^16 मीटर। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है और एक पारसेक बराबर होता है 3.1 × 10^16 मीटर होता है बच्चों। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मापन की इकाइयों की बात कर रही थी, दूरियों के लिए खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक बताया सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की जो औसत दूरी होती है वो एक खगोलीय मात्रक है और एक खगोलीय मात्रक बराबर कितने मीटर है। फिर है प्रकाश वर्ष, सूर्य का प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर है। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है और एक पारसेक बराबर इतना है। अब बात करेंगे द्रव्यमान की, दूसरा है द्रव्यमान, लंबाई के बाद द्रव्यमान है मापन में, और द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक, द्रव्यमान किसमें नापते हैं बच्चों, किलोग्राम में, किसमें नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं बच्चों द्रव्यमान। जब द्रव्यमान किलोग्राम में नापा जाता है तो द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है चंद्रशेखर सीमा, द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है चंद्रशेखर सीमा। और एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होती है सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना। सबसे बड़ा मात्रक चंद्रशेखर सीमा है और एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होती है कितना, सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना। तो इसमें एक ही है चंद्रशेखर सीमा, एक ही है इसमें चंद्रशेखर सीमा। साइंटिस्ट का नाम है चंद्रशेखर। यह द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है, द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है और एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना। सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है, कितना होता है बच्चों, सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होगा। बिल्कुल सही बात है, चंद्रशेखर सीमा या द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है
और एक चंद्रशेखर सीमा बराबर है सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना। कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। अब बात करें समय, तो तीसरा समय के लिए, द्रव्यमान के लिए तो हो गया, तीसरा द्रव्यमान के लिए कर लो इसको। चाहे अब तीसरा समय के लिए इधर देखिए बच्चों, समय किस में नपता है? सेकंड में, सेकंड में नपता है, मिनट में नपता है, घंटे में भी नाप सकते हैं। यहां बात कर रहे हैं समय के सबसे छोटे मात्रक की। जो समय का सबसे छोटा मात्रक होता है वो होता है शेक। क्या होता है? शेक। और एक शेक बराबर होता है 10^-8 सेकंड। तो इसमें है एक ही है शेक, शेक, और शेक बराबर होता है, यह समय का सबसे छोटा मात्रक है, समय का सबसे छोटा मात्रक है, और एक शेक बराबर होता है 10^-8 सेकेंड। एक शेक बराबर है 10^-8 सेकेंड। तो मैं आपको एक बार फिर बच्चों बता रहा हूं, दूरियों के मापन के लिए मैंने कहा खगोलीय मात्रक, और मैंने कहा सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की औसत दूरी एक खगोलीय मात्रक होती है, और एक खगोलीय मात्रक बराबर इतने मीटर होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रकाश वर्ष, फिर हमने कहा सूर्य का प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं, और एक प्रकाश वर्ष बराबर इतने मीटर होता है। फिर हमने कहा पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, और एक पारसेक बराबर इतना होता है। द्रव्यमान की बात करें तो एक चंद्रशेखर सीमा द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है, जो कि सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना है। उसके बाद किसकी बात करें, शेक, और शेक समय का सबसे छोटा मात्रक है, और एक शेक बराबर 10^-8 सेकेंड है। ये मापन की इकाइयां हो गई है। आज के लिए बच्चे इतना ही काफी है, ठीक है ना। आगे हम और भी इम्पोर्टेंट बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आप इसको लगातार पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, और धीरे धीरे ये आगे चलता रहेगा। धन्यवाद।